एक दिन सवेरे मैंने कमरे से बरामदे में आकर देखा, दो कौवे एक गमले के पास छुआ छुआवल जैसे खेल खेल रहे हैं। मैंने निकट जाकर देखा तो गिलहरी का एक छोटा बच्चा गिरा हुआ था, जो शायद घोंसले से गिर पड़ा था, और अब ये कौवे उसे अपना आहार बनाने के लिए उसके आसपास मंडरा रहे थे। नन्ही गिलहरी अधमरी हालत में वहाँ पड़ी थी। सब लोग बोल रहे थे, कौवे की चोंच लगने के बाद वह नन्ही गिलहरी अब जीवित नहीं रहेगी और उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए। पर मेरा मन नहीं माना और मैं उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। मैंने उसके घावों को रुई से पोंछा और उस पर पेनिसिलिन की दवा लगाई। रुई की पतली सी बत्ती बनाकर उसे दूध में डुबाकर नन्ही गिलहरी को पिलाने की कोशिश की, पर उसका मुंह न खुल सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटों की मेहनत के बाद उसके मुंह में दो बूंद पानी टपकाया जा सका। 3-4 महीने में ही वह बड़ी सुंदर हो गई। उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबका मन मोहने लगे। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने के हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे खिड़की से तार के सहारे लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। गिल्लू उसी में झूलता और अपनी कांच की मनको जैसी आंखों से पूरी कमरे में न जाने क्या देखता और समझता रहता था। कभी कभी उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तो मेरा ध्यान आकर्षण करने की उसकी इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतर जाता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसका सर दोनों पंजे बाहर और बाकी शरीर लिफाफे के भीतर रहता, और इस स्थिति में वह घंटों दीवार के सहारे खड़ा होकर मेरे कार्यकलाप को देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक कर मुझे बताता था और काजू या बिस्किट मिल जाने पर लिफाफे से बाहर वाले पंजों पर उसे पकड़ कुतरता रहता। नीम चमेली की सुगंध मेरे कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की के पास आ गए, न जाने चिक चिक कर क्या कहने लगी। गिल्लू अपने पन से खिड़की के बाहर देखने लगा। उसे देखकर मुझे लगा अब इसे मुक्त करने का समय आ गया है। मैंने कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया। गिल्लू धीरे से उस रास्ते से बाहर निकल गया और उसने मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को मेरे पालतू कुत्ते और बिल्ली से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे में कई जरूरी कागज रहते थे जिसके कारण वह बंद रहता है। कॉलेज से लौटकर मैंने जैसे ही कमरा खोला, गिल्लू अपने जाली वाले रास्ते से अंदर आकर मेरे ऊपर चढ़ गया और मेरे सर से पैर और पैर से सर तक चढ़ने लगा। तब से रोज रोज यह होने लगा। मेरे कॉलेज जाने पर गिल्लू भी जाली के रास्ते बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों का नेता बना इस डाल से उस डाल उछलता रहता। और ठीक 4 बजे वह कमरे में आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा न जाने कब और कैसे उसमें उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता तो कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता।
कभी सोन जूही की पत्तियों के पीछे छिप जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनसे मेरा लगाव भी कम नहीं है, परंतु उन सब में किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। सिर्फ गिल्लू ही मेरे साथ खा सकता था, वो भी मेरी थाली से। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह बरामदा और आंगन पार कर मेज तक पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से बड़ी सफाई से एक एक चावल उठाकर खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। कई दिन तक काजू न मिलने से वह या तो खाना लेना बंद कर देता था या उनको झूलों के नीचे फेंक देता था। उन दिनों में मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों गिल्लू कमरे में आता, मेरी जगह किसी और को पाकर घोंसले में लौट जाता, सब उसे काजू दे जाते। कुछ दिनों बाद जब मैं अस्पताल से लौटी तो मैंने देखा उसके झूले में काजू भरे पड़े थे, पर उसने उन्हें नहीं खाया था। मेरी अवस्था में वो मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों को अपने नन्हे नन्हे पंजों से हौले हौले इस तरह से सहलाता था कि उसका हटना किसी परिचारिका के हटने के समान लगता था। गर्मियों में जब मैं अपने कमरे में काम करती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने का गर्मी में एक बिल्कुल अलग उपाय निकाल रखा था। वह मेरे पास रखे सुराही पर लेट जाता, जिससे उसे गर्मी नहीं लगती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू के जीवन का अंत ही आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। रात में अंत समय के यातना के बावजूद वो मेरे पास बैठा रहा और मेरी वही उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़े मेरे हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन में मरणासन्न अवस्था में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर लगाया ताकि उसे थोड़ी उष्णता मिले, लेकिन प्रभात के पहले किरण के साथ वह किसी दूसरे जीवन में आंख खोलने के लिए वह सो चुका था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओपन माइंड चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को, जिससे आप देख पाए न्यू वीडियोस सबसे पहले।